निकलने पर अर्ध और हम दोनों ने मैचिंग की है, साथ इन्होंने भी व्रत रखा हुआ है आज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। तो अभी मैं अब आज है करवा चौथ, तो मैं होने लगी हूँ तैयार। उसके बाद जाऊँगी मंदिर में कथा सुनने के लिए। तो जो भी थोड़ी बहुत क्लिप्स होगी वो मैं आपको दिखाऊँगी आज की। तो बस सुबह सर्गी का तो मैंने शूट नहीं किया, तो अभी सोचा कि अभी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसे क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
वन टू थ्री। दिस इज माई फाइनल लुक। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अभी बस ये आएंगे और फिर इनके साथ मैं जाऊंगी मंदिर। मंदिर में जाकर सुनूंगी कथा, तब तक मंदिर जाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा चेंजेस है, अभी मैं मंदिर में नहीं जा रही हूँ, हमारे यहाँ नीचे कॉलोनी में ही एक घर में कथा हो रही है, तो मैं बस वहीं पर जा रही हूँ। तो अभी मैं आपको अपनी जो थाली तैयार की है वो मैं एक बार लुक दिखाती हूँ, फिर उसके बाद कथा सुनने जाऊंगी। तो ये देखिए, तो गाइस मिलते हैं कथा के वक्त, बने रहिएगा मेरे साथ। के पैर भी छूने एवं पूजा विधि। कार्तिक कक्ष पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से पूजन किया जाता है, जिसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा दिया था, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यह चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। चेटानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि में साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और चल्ली लाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन छीन लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि को प्रकाश चलने से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाया प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी का पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसे श्रद्धा भक्ति देख सहित कर्म को देख कर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसे पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। माता जगी पार्वती पिता महादेवा।
फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दया दंती चार भुजा धारी, जय गणेश जय गणेश देव। माता जगी पार्वती पिता महादेव, अंधन को आंख दे, कोढ़ को माया, पाजन को पुत्र दे, दुर्धन को माया। हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर शाम शरण आयो सफल कीजो सेवा। जय गणेश जय गणेश देव। माता जगी पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु सुतिवारी, कामना को पूर्ण करूं बल करूं जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देव। माता जगी पार्वती पिता महादेव। बोलो भी पाइना जगावी ना, प्यारी पीना चरित पानी पीना, मैं आ गई थी कथा सुनकर घर पर। तो अभी मैंने खाना वगैरह बना लिया है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को नहीं आपको दिखाया, उनकी लुक भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। ये देखो, ये लेटे हुए हैं और हम दोनों ने मैचिंग की है। कैसे लग रहे हैं हम? तो बस अभी चांद निकलने का इंतजार है। जैसे ही चांद निकलेगा हम अपना व्रत तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने भी व्रत रखा हुआ है आज। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। देखिए, दाल मखनी रेडी है और साथ में मैंने बनाए हैं चावल। बस चांद का ही इंतजार है। चांद निकल आया और हमने कर ली है पूजा। तो बस इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय गाइस, खाओ पियो ऐश करो, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ अगेन।